अगर आप आईफोन यूजर हैं और अगर आप अपने आईफोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कैसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है और कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि आईफोन के अंदर में एक सेटिंग में जो है ये इनेबल करना होता है और जैसे ही आप इनेबल कर दीजिएगा उसके बाद अपने आईफोन का स्क्रीन को रिकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। कैसे करना है सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताया है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अपने आईफोन में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं मिलता है और कहीं पर भी कोई सेटिंग नहीं मिलता है, तो इसको आपको खुद से जो है इनेबल करना पड़ेगा। उसको इनेबल करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम अपने फ़ोन को यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सबको आप जो है मैनेज कर सकते हैं, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर रखना है कौन सा नहीं रखना है वो सब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने अपने फोन को जो है डार्क मोड कर दिया ताकि जितने भी ऑप्शन है वो आपको क्लियरली जो है यहाँ पे दिखे। अब आपको करना क्या है कि नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कंट्रोल सेंटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऊपर एप्लीकेशन है वो सब यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि टॉर्च है, टाइमर है, कैलकुलेटर है और कैमरा है। इसमें से अगर किसी को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आपको माइनस पर क्लिक करके और यहाँ से रिमूव पर क्लिक करके इसको रिमूव कर देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और उसके बगल में जो है प्लस का आइकन है। तो आपको क्या करना है कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बगल में जो प्लस है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाकर जो है ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और जैसे ही यहाँ पर हम लोग इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो आ चुका है, जो कि गोल यहाँ पे सर्कल जो दिख रहा है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन है। अब इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके काउंटडाउन स्टार्ट होगा और उसके बाद हमारे स्क्रीन का रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो हो रहा है वो मेरा फुल स्क्रीन का रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है और रिकॉर्डिंग होना भी स्टार्ट हो चुका है। ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है वहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है, इसका मतलब हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ये ऑन है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए सिंपल है, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा और ऊपर दिख जाएगा कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो फोटोज़ में जाकर जो है सेव हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ अभी और सेटिंग करना होगा, वो क्या है कि यहाँ पर जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है इस पर आप प्रेस करके रखिएगा। इस पर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये आपका कहाँ पर सेव होना चाहिए वो आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे फोटोज़ पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका गैलरी में ये सेव हो जाए। उसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है माइक्रोफोन ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड करे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका माइक्रोफोन जो है ये ऑन हो जाएगा। तो जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कीजिएगा और कुछ भी बोलिएगा या कोई भी एप्लीकेशन चलेगा तो उसका साउंड जो है रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आपका जो है गैलरी में दिख जाएगा, यानी कि फोटोज़ में दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो यहाँ पर चल रहा है और यहाँ से आप प्ले करके देख सकती है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे से जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि कैसे जो है आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर में अपने आईफोन को स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हैं और अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।